नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 सितंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षक बहाली, अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की निकली तारीख। बिहार जुडिशियल सर्विस भर्ती में बीपीएससी ने किया बड़ा बदलाव। चाय की खेती पर किसान ऐसे उठाए सब्सिडी योजना का लाभ। एशिया कप में आज नेपाल से भिड़ेगा भारत। विक्रम लैंडर के प्रज्ञान रोवर मॉड्यूल को इसरो ने डाला स्लीप मॉड्यूल में। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नाबार्ड बैंक में 150 पदों के लिए निकली भर्ती। नाबार्ड बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर आवेदन करने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती अभियान के तहत नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर के 150 पदों पर बहाली की जाएगी। जो भी इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर अप्लाई करने का मन बना रहे हैं तो नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nabard.org/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार को संबंधित विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 सितंबर 2023 तक 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी किए गए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। शिक्षक बहाली, अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की निकली तारीख। वैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल हुए थे उनके प्रमाण पत्र की जांच के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम की विषयवार तिथि तय की जा चुकी है। बता दें कि उच्च माध्यमिक शिक्षक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 से 8 सितंबर तक होने वाला है। वहीं माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 से 12 सितंबर को किया जाएगा। बीपीएससी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जो अभ्यर्थी बिहार से नहीं है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पटना में किया जाएगा। साथ ही लगभग 23 प्रकार के दस्तावेज जाँच किए जाएंगे जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरक्षण श्रेणी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, सीटेट, बीटेट और एसटीईटी की उत्तीर्णता, बीएड और डीएलएड प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिक और नियोजित शिक्षक आदि शामिल हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गौरव तिवारी के बारे में। गौरव तिवारी भारत में एक असाधारण जांचकर्ता, यूएफओ क्षेत्र जांचकर्ता और पैरानेक्सस प्रतिनिधि थे जो एमटीवी गर्ल्स नाइट आउट विद रणविजय सिंह, हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोन, आज तक लाइव इंडिया, न्यूज 24, स्टार टीवी, जी टीवी जैसे टेलीविजन शो में दिखाई दिए। फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें, सीफी की हॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया और सोनी टीवी की भूत आया। तिवारी पैरानॉर्मल रेडियो शो के अतिथि और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ और संस्थापक भी थे। तिवारी मेटाफिजिकल चर्च ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइंस के एक नियुक्त मंत्री थे। उन्हें हिंदी फिल्मों में 16 दिसंबर और टैंगो चार्ली में छोटी भूमिकाएं निभाई। 21 साल की उम्र में वह विमानन में अपना करियर बनाने के लिए फ्लोरिडा चले गए और बाद में असाधारण जांच और परमाणु विज्ञान में रुचि हो गई। तिवारी साजिद ए द्वारा निर्देशित एमटीवी गर्ल्स नाइट आउट में दिखाई दिए। यह शो भारत का पहला हॉरर असाधारण रियलिटी शो था और इसने एशियाई टेलीविजन पुरस्कार सिंगापुर 2011 में सर्वश्रेष्ठ रियलिटी शो भी जीता। 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए डीएम से मांगी गई रिपोर्ट। राज्य के 10,000 सरकारी मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए बहुत जल्द ही कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए कार्य योजना शुरू की जाएगी। बता दें कि इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा जिलाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा गया है कि जिन भी स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाने हैं वहां की बिजली व्यवस्था की अद्यतन स्थिति की जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए। मालूम हो कि विभाग के अनुसार अगर विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित किया जाता है तो इससे करीब 75 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसके लिए सरकार की ओर से मौजूदा बजट में प्राविधान कर रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में केवल राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था है। ऐसे में विभाग की ओर से 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए कंप्यूटर अध्ययन सामग्री तैयार कराने में विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। बिहार जुडिशियल सर्विस भर्ती में बीपीएससी ने किया बड़ा बदलाव। बिहार जुडिशियल सर्विस भर्ती को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक बड़ा बदलाव किया गया है जिसकी सूचना बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in द्वारा मिली है। दरअसल ऐसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों की संख्या को बीपीएससी ने 32वीं बिहार जुडिशियल सर्विस परीक्षा 2023 के तहत रीज्वाइन किया है। बीपीएससी के इस बदलाव से अब ऐसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों की संख्या 28 हो चुकी है। मालूम हो कि पहले यही संख्या 29 थी। बीपीएससी द्वारा यह निर्णय पटना हाईकोर्ट और बिहार सरकार के निर्देश के बाद लिया गया है।
धान की फसल में ऐसे बीमारी का आसानी से चल सकेगा पता। धान की फसल में बीमारी का पता बड़े ही आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से लगाया जा सकेगा। बता दें कि ट्रिपल आईटी द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर के कारण यह संभव हो पाया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से फसल की बीमारी का पता लगाकर आसानी से उस बीमारी का सही इलाज किया जा सकता है। अभी तक यह काम किसान स्वयं ही किया करते थे या किसी कृषि वैज्ञानिक की मदद से धान की फसल की बीमारी का पता लगाया करते थे, जिसमें काफी समय भी लगता था, जिस वजह से फसल को काफी नुकसान हो जाया करता था। इसी परेशानी को देखते हुए ट्रिपल आईटी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे और सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दिलीप कुमार चौबे के मार्गदर्शन में यह सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसे ट्रिपल आईटी के पीडीएच छात्र रत्नेश दुबे द्वारा तैयार किया गया। यूपी से बिहार आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित। वाराणसी मंडल में रूट डायवर्जन के कारण उत्तर प्रदेश से बिहार आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हो रही, जिस वजह से ट्रेनों के परिचालन को दुरुस्त करने की मांग रेलवे के कई अधिकारियों और रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर की जा रही। मालूम हो कि दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वाराणसी स्टेशन के यार्ड के आधुनिकीकरण का काम चल रहा। इस वजह से भागलपुर से नौगछिया जाने वाली 4 ट्रेनें भी रद्द हुई हैं। इसके अलावा 2 ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी रूट से परिवर्तन हुआ है, जिनमें ओखा गुवाहाटी एक्सप्रेस को 15, 22 और 29 सितंबर को रद्द किया गया है। 2 और 13 अक्टूबर को भी ट्रेन निरस्त रहेगी। 11, 18, 25 सितंबर और 3 व 10 अक्टूबर को गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे अशोक स्तूप के बारे में। पहाड़ी की चोटी पर स्थित अशोक स्तूप अपने स्थान के कारण राजगीर के शीर्ष आकर्षणों में से एक है। यह विशेष रूप से भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित है। आप पैदल मार्ग का उपयोग करके यहां पहुंच सकते हैं, जो विशेष रूप से प्रकृति प्रेमी के लिए काफी सुरम्य है। सूर्यास्त के समय आसपास की सुंदरता और बढ़ जाती है, जब पर्यटकों के पास पहाड़ी की चोटी पर स्थित स्तूप के आश्चर्यजनक दृश्य को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। प्राकृतिक परिवेश की जटिल सुंदरता का आनंद लेते हुए रोपवे द्वारा भी यहां पहुंचा जा सकता है। यह जगह हमेशा पर्यटकों से भी भरी रहती है और किसी भी मौसम में घूमने के लिए एक आदर्श जगह है। चाय की खेती पर किसान ऐसे उठाए सब्सिडी योजना का लाभ। चाय उत्पादन के मामले में बिहार 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। ऐसे में चाय की खेती में बिहार और आगे बढ़े, इसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा चाय किसानों के लिए विशेष उद्यानिकी फसल योजना के तहत चाय की खेती पर सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में जो किसान इस सब्सिडी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वह बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, या इसके अलावा जिले के सहायक निदेशक उद्यान से भी संपर्क किया जा सकता है। हालांकि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका पहले से DBT पर रजिस्ट्रेशन होगा। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार की ओर से चाय की ढुलाई पर 50% तक का अनुदान दिया जाता है। हालांकि इसके लिए 4,94,000 प्रति हेक्टेयर की लागत तय की गई है। शिक्षकों द्वारा इस दिन काला दिवस मनाने का हुआ ऐलान। इन दिनों बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर काफी चर्चा देखी जा रही है, क्योंकि इन दिनों सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस निर्देश व फरमान का शिक्षकों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा। अभी हाल में ही शिक्षकों की छुट्टी में शिक्षा विभाग की तरफ से कटौती की गई है, जिस वजह से शिक्षकों में आक्रोश और भी बढ़ चुका है। शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए इस फरमान को वापस लेने की मांग भी की थी। हालांकि शिक्षा विभाग ने शिक्षक संघ के इस मांग को अनदेखा कर दिया, जिसे लेकर शिक्षक संघ की तरफ से चुनौती देते हुए कहा गया है कि यदि विभाग अपने इस फरमान को वापस नहीं लेता है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। जहां शिक्षक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर काला दिवस मनाएंगे, इस दिन काला पट्टी बांधकर शिक्षक विद्यालय जाएंगे। शिक्षकों की तरफ से कहा गया है कि वे पठन पाठन को बाधित तो नहीं करेंगे, लेकिन मुंह पर काला पट्टी बांधकर सरकार के इस फरमान का विरोध जरूर करेंगे। 100 खाता धारकों को साइबर फ्रॉड में फंसी राशि लौटाने की कवायद हुई शुरू। वैसे राशि जो साइबर फ्रॉड अपराधियों के चुंगल में जाने से बची है, उन राशियों को संबंधित खाता धारकों के अकाउंट में भेजने की कवायद शुरू की जा चुकी है। 14 से भी अधिक जिलों को अब तक राशि लौटाने से संबंधित निर्देश आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जारी किए जा चुके हैं। विधि संगत प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित लोगों को राशि लौटाने का निर्देश सभी जिलों के SP को दिया गया है। बता दें कि होल्ड पर रखी 3 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि इन जिलों के 100 से भी अधिक खाता धारकों को लौटाने की बात सामने आई है। इन जिलों में सबसे अधिक खाता धारक पटना जिले से हैं। इसके अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, औरंगाबाद, दरभंगा, नवादा, जमुई आदि जिले के खाता धारक शामिल हैं। हजारों बोतल शराब बरामद, 2 तस्कर को पुलिस ने दबोचा। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही।
उल्टा शराब तस्करों के द्वारा तस्करी के लिए आए दिन नए नए तरीकों का निजात किया जा रहा है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के कैमूर जिले में दुर्गवती में स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्मनाशा नहर मोड़ के समीप नेशनल हाईवे का है, जहां पुलिस के द्वारा दुर्गावती थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बोलेरो से 1761 शराब की बोतल बरामद की गई है। और इसके साथ ही पुलिस के द्वारा दो तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आकाश यादव और राजकुमार यादव के रूप में की गई है। वहीं पुलिस के द्वारा बोलेरो को भी जब्त कर लिया गया है। शराब तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विकास मित्र की नियुक्ति के लिए ये कागजात हैं जरूरी। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा बिहार महादलित विकास मिशन के लिए विकास मित्र की नियुक्ति की जाती है, जिसका उद्देश्य सरकार एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करवाना है। बता दें इससे विकास मित्र को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के साथ 15,481 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाता है, जिसमें से परिवहन भत्ता के रूप में 900 रुपए, स्टेशनरी भत्ता के रूप में 900 रुपए और संचार भत्ता के रूप में 250 रुपए दिए जाते हैं। मालूम हो कि विकास मित्र नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आवेदन की मांग की जाती है। इसके लिए अगर जरूरी पात्रता और कागजात की बात की जाए तो उम्मीदवार को मैट्रिक पास होना अनिवार्य है और उसके साथ ही उम्मीदवार के पास आवासीय और जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए www.bmvm.bihar.gov.in या टोल फ्री नंबर 1800-345-6345 पर संपर्क किया जा सकता है। पटना जंक्शन पर 2.5 एकड़ में नए ऑटो स्टैंड का होगा निर्माण। 2.5 एकड़ में नए ऑटो स्टैंड का निर्माण पटना जंक्शन पर करवाया जाएगा, ताकि यात्रियों को आने जाने की सुविधा मिल सके। नगर निगम द्वारा नए स्टैंड से स्टेशन तक नई सड़क का निर्माण भी शुरू किया जा चुका है। यह सड़क 200 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी रहेगी, जो स्टेशन से स्टैंड को जोड़ेगी। एक अनुमान के अनुसार लगभग 1000 ऑटो इस स्टैंड में खड़े किए जा सकते हैं, जिससे यात्रियों के आवागमन में अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि GPO गोलंबर के दक्षिण की दिशा में स्थित मीठापुर रेलवे फूड ब्रिज की तरफ से सब्जी मार्केट के पास यह रास्ता मस्जिद होते हुए स्टेशन जाता है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना। पिछले कुछ दिनों तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। बिहार में इन दिनों मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार आज यानी कि 4 सितंबर को राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों के जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर कल यानी कि 5 सितंबर के मौसम की बात करें तो IMD बिहार के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिणी भागों के जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि इस तरह की स्थिति राज्य में 6 सितंबर तक बने रहने की आशंका जताई गई है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश में अगर बारिश होती है तो किसानों के साथ ही आम लोगों को काफी फायदा होने वाला है। पटना के इस्कॉन मंदिर में मनेगी भव्य जन्माष्टमी। 7 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना में स्थित इस्कॉन मंदिर में भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। 8 सितंबर को श्रील प्रभु पाद का आविर्भाव महोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में इसको लेकर मंदिर में उत्कृष्ट आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। इस दौरान श्री राधा कृष्ण लीला संस्थान बरसाना की ओर से श्री कृष्ण लीला की भी प्रस्तुति की जाएगी। इसमें देश विदेशों से भी कृष्ण भक्त शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन उद्योगपति LN पोद्दार के हाथों किया जाएगा। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में सुबह 7 बजे से लेकर मध्य रात्रि 12 बजे तक भक्तों के द्वारा कीर्तन और भव्य आरती की जाएगी। साथ ही रात्रि 12 बजे से 151 चांदी कलश से भगवान का महाभिषेक किया जाएगा और महाप्रसाद का वितरण होगा। वहीं 8 सितंबर को मंदिर परिसर के भव्य हॉल में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सम्राट चौधरी का CM नीतीश पर हमला। बिहार BJP प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा जाता है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से सम्राट चौधरी के द्वारा CM नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो चुनाव कराने की घोषणा करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात इसलिए की है क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनके साथ जनता की ताकत है, इसलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं है। वहीं नीतीश कुमार केवल सरकार बचाने की बात करते हैं, उनमें चुनाव में जीतने की हिम्मत नहीं है। नीतीश कुमार जी डरने वाले चुनाव की बात नहीं करते, वह चुनाव से भागते हैं। ललन सिंह ने 5 नेताओं को दिया खास टास्क। बीते दिन JDU अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा अपनी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से अपील करते हुए 5 नेताओं की टीम गठित करने की बात कही गई है। बता दें कि इन 5 नेताओं की टीम को लद्दाख भेजा जाएगा, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि लद्दाख में भारत की बड़ी भूमि को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसे लद्दाख का बच्चा बच्चा जानता है और अब इसे पूरे देश को जानना चाहिए। उन्होंने PM मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि PM मोदी बोलते हैं कि ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा।
लेकिन सच पूरी तरह अलग है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब एक उद्योगपति 103वें पायदान पर थे, जो आज देश में नंबर वन हो गए हैं। यह मोदी का न खाऊंगा और न खाने दूंगा का सच है। बता दें कि उनका यह निशाना अडानी पर था। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर को जान से मारने की मिली धमकी। फोन पर जान से मारने की धमकी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर को फोन पर दी गई है। बता दें कि यह रघुनाथपुर जिले के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इस मामले को लेकर नगर थाना में विक्रम कुंवर द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन करते हुए उन्होंने तहकीकात की मांग भी की है। इस मामले पर नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री विक्रम कुमार का आवेदन मिला है, मामले की जांच की जा रही है। पूर्व मंत्री द्वारा बताया गया कि वो कई बार रघुनाथपुर क्षेत्र से विधायक तथा बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 3 सितंबर 2022 को 2:21 पर मेरे मोबाइल नंबर पर फोन आया। फोन उठाने पर उधर से गाली देते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। भद्दी भद्दी गाली दे रहा था। गाली देते हुए फोन करने वाले ने कहा कि बहुत बड़े नेता बन रहे हो, भ्रष्टाचार की बात करते हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा न्यूज में बोलते हो, तुम्हें जान से मार देंगे या मरवा देंगे, सुधर जाओ वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच राजा जयसिंह संधि पर 1665 को हस्ताक्षर हुए। महात्मा गांधी ने 1888 में इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा शुरू की। भारत में 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन करते नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला 2005 को गिरफ्तार हुए। मायावती सरकार ने 2008 में उत्तर प्रदेश संगठित अपराध विरोधी कानून विधेयक 2007 को तत्काल प्रभाव से वापस करने का निर्णय किया। केंद्रीय कैबिनेट ने 2008 को 7 राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के संबंध में परिसीमन आयोग की सिफारिशों में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2009 में अश्वंत सिंह की मोहम्मद अली जिन्ना पर लिखी गई किताब पर गुजरात में लगे प्रतिबंध को हटाया। कोयला कंपनी SCCL को 2009 में मिनी रत्न कंपनी के सम्मान स्वायत्तता दी गई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक तथा समाजशास्त्री भूपेंद्र नाथ दत्त का जन्म 1880 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ता ज्ञान चंद्र घोष का जन्म 1894 को हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सियाराम सरन गुप्त का जन्म 1895 को हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ सुशील कुमार सिंधे का जन्म 4 सितंबर 1941 को हुआ था। भारतीय अभिनेता ऋषि कपूर का जन्म 1952 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे का जन्म 1962 को हुआ था। भारतीय इंदुकालीन प्रमुख साहित्यकारों में से एक मोहनलाल विष्णु पंड्या का निधन 1912 को हुआ था। एशिया कप में आज नेपाल से भिड़ेगा भारत। बारिश की वजह से बीते शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा मुकाबला रद्द हो गया। ऐसे में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया है। इसके साथ ही 3 पॉइंट के साथ पाकिस्तान की टीम सुपर 4 में पहुंच गई है। वहीं भारत का मुकाबला अब आज नेपाल के साथ होने वाला है। ऐसे में अगर आज भारत नेपाल से हार जाता है तो एशिया कप से बाहर हो जाएगा। ऐसे में सुपर 4 में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में नेपाल से मैच जीतना होगा। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच वनडे फॉर्मेट में यह पहली भिड़ंत है। टीम इंडिया की तुलना नेपाल से करना बेईमानी होगा। नेपाली टीम को पहले मैच में पाकिस्तान ने 238 रन से पीटा था। रोहित पोडैल की टीम भारत के खिलाफ वापसी की कोशिश करेगी। आज का यह मैच पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 2:03 से खेला जाएगा। वेलकम, आज हम बात करेंगे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कथित तौर पर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी एक पत्र में प्राप्तकर्ता पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं और पत्र का जवाब मांगा जा रहा है। PIB ने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह पत्र फर्जी है। भारत सरकार के अधीन किसी भी संगठन द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। व्हाट्सएप बदलने वाला है ऐप का UI। व्हाट्सएप ऐप एक्सपीरियंस को बदलने के लिए UI को चेंज करने वाला है, यानी जल्द आपको ऐप बदला बदला नजर आएगा। इस अपडेट की जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info ने शेयर की है। वेबसाइट के मुताबिक कंपनी टॉप बार को बॉटम में शिफ्ट करने वाली है, यानी आपको चैट्स, स्टेटस और कॉल्स का ऑप्शन जल्द बॉटम में मिलेगा। कम्युनिटीज ऑप्शन को भी कंपनी नए तरीके से बॉटम में प्लेस करने वाली है। साथ ही वर्तमान में टॉप पर दिखाई देने वाला ग्रीन कलर भी कंपनी हटा रही है। ग्रीन कलर के बजाय आपको व्हाइट कलर में अब सारे ऑप्शन दिखेंगे। ग्रीन कलर बस अब व्हाट्सएप लोगो और मैसेज बटन में दिखाई देगा। नए UI में आपको कॉल्स का ऑप्शन एकदम लास्ट में मिलेगा। इसके अलावा नए अपडेट में आपको चैट्स को फिल्टर करने के लिए ऑल अनरीड पर्सनल और बिजनेस का ऑप्शन मिलेगा। आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर आसानी से चैट्स को फिल्टर कर सकते हैं। विक्रम लैंडर के प्रज्ञान रोवर मॉड्यूल को इसरो ने डाला स्लीप मॉड्यूल में। विक्रम लैंडर के प्रज्ञान रोवर मॉड्यूल को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन द्वारा स्लीप मोड में डाल दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इसे चंद्रमा पर अगले सूर्योदय यानी 22 सितंबर को फिर से ऑन करने की उम्मीद लगाई जा रही। असाइनमेंट के दूसरे सेट के लिए सफल होने की पूरी उम्मीद इसरो को है। बता दें कि चंद्रमा पर एक दिन और एक रात पृथ्वी के 14 दिन और 14 रात के बराबर होते हैं। चंद्रमा पर रात के समय में तापमान काफी कम होता है, जो -238 डिग्री तक चला जाता है, जिस वजह से रोवर को पृथ्वी की करीब 14 रात तक इतना कम तापमान सहना पड़ेगा।
बिग बॉस ओटीटी दो फेम मनीषा रानी ने अपने सपने के लड़के को लेकर किया यह खुलासा। बिग बॉस ओटीटी दो फेम मनीषा रानी लगातार सुर्खियां बटोर रही है। घर के अंदर उन्हें कई दूसरे प्रतिभागियों के साथ पसंद किया गया और साथ ही उनकी जोड़ी भी बनाई गई। लेकिन अब मनीषा रानी के द्वारा सिद्धार्थ कन्नन के साथ हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट में अफवाहों को खुलकर संबोधित किया और अपने आदर्श साथी के लिए अपने मानदंड भी साझा किए। मनीषा रानी ने कहा कि अल्पेश यादव उनके अच्छे दोस्त हैं। बातचीत के दौरान मनीषा ने यह भी बताया कि उन्हें ऐसे लड़के पसंद हैं जिनकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड ना हो। उन्होंने कहा, तो भाई हमको भी फ्रेश लड़का चाहिए। जब मेरा प्यार फ्रेश हो तो हमको भी तो ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो फ्रेश होना चाहिए। हम कभी भी किसी का घर तोड़ के अपना घर बसाना नहीं चाहेंगे। तो मुझे भी एक नया लड़का चाहिए। जब मेरा प्यार ताजा है तो मुझे भी एक नया लड़का ढूंढना चाहिए। मैं अपना घर बनाने के लिए किसी और का घर तोड़ना नहीं चाहती। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। अगला सवाल, हाल ही में किस दिन को भारतीय नौसेना के बेड़े में युद्धपुत महेंद्र गिरी को शामिल किया गया? ऑप्शन ए 28 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 1 सितंबर, ऑप्शन डी 2 सितंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 सितंबर। अगला सवाल, हाल ही में कहां में 4 अक्टूबर को वर्ल्ड कप 2023 की ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अहमदाबाद। अगला सवाल, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए रामदयाल सिंह, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी सियाराम सिन्हा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहां हुई? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, एचके शर्मा, गोनर शर्मा, भारती हरी, नन्नू गोलू कुमार, मौसमी, नरेंद्र झा, उमेश ऋषिदेव, अर्जुन राम, अनवर करीम खान, प्रहलाद कुमार, अतीक खान, अभी कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद फहीम, राजकिशोर महतो, नरेश राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप सोशल मीडिया साइट पर अपना कितना समय बिताते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।